फुल ऑन निकलो 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 बाकी थोड़ा खींच के देखते हैं यार। ओ भाई ये क्या है भाई साहब, गोली की तरह खींचती है यार। तो भाई साहब अब हम आ चुके हैं गाइस डोमिनार पे, तो पावर तो इसकी भी काफी अच्छी खासी है बहुत। So hello guys and welcome back again to my YouTube channel Samoto Vlogs. So guys, kaise ho aap sab? I hope you all are fine. Guys, welcome back again to another video. So guys, video ka intro jo hai main abhi shoot kar raha hu because main bhul gaya tha intro karta hi bhul gaya tha. तो इंट्रो अभी शूट कर रहा हूँ। तो उसका जो व्लॉग है ना गाइस, सीरियसली इतना क्रेजी व्लॉग है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला था ना गाइस, जो अगर होता ना गाइस तो बहुत बुरा होना था। थैंक गॉड मैं बच गया, बहुत लकी यू नो बहुत। अब वीडियो में देखना क्या चीज़ हुआ था मेरे साथ, बहुत खतर। अपने एक भाई का क्रैश भी हो गया था, तो बहुत कुछ हुआ है बाकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता गाइस, आप वीडियो को एंजॉय करो। ओ भाई ये क्या था, ओ भाई कसम से यार क्या स्पीड में गई है भाई के यहाँ से। इस साउंड एकदम गजब साउंड था यार, मजा आ गया सुन के यार। अपना भी ड्रीम है अपने पास एक सुपर बाइक हो यार, फिलहाल तो अपने लिए यही अपनी सुपर बाइक है। बट सीरियसली यार वो साउंड बहुत प्यारी थी। सुपर बाइक की पहचान ही उनके साउंड से होती है यार, एकदम अलग साउंड रहती है भाई। एंड पावर तो फिर क्या ही कहना भाई, किस रफ्तार से बाइक गई है यहाँ से यार। ये बंदा डर रहा है मेरे पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा मेरे साथ राइड करता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डर रहा है भाई। आज ना इसका डर खत्म करते हैं, चलो लीन मारते हैं यहाँ पे गाइस। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अबे कापा मत कर यार, हेलमेट छोड़ तू, कापा मत कर भाई, आराम से बैठ, तू मेरा बैलेंस खराब कर रहा है पता है। सो आगे एक और पहचान वाला गाइस वहाँ पे फिर से लीन मारेंगे। आज तो कसम से इसका डर खत्म करके ही रहूंगा भाई, जो मर्जी हो जाए। आराम से बैठना भाई, हिलना मत यार प्लीज, हिलना मत हिलना मत। बट यार आजकल ना सिद्रा में बहुत से बंदे ना बिना हेलमेट के आने लग गए, पता नहीं क्या चक्कर है। पहले पहले यहाँ पे हेलमेट लगा के बंदे आते रहे, आजकल बहुत बंदे देख रहे हैं यार विदाउट हेलमेट के राइड कर रहे हैं सिद्रा में, बहुत बहुत बंदे भाई। पता नहीं क्या चक्कर हो गया भाई, लगता खौफ खत्म हो गया। यहाँ पे लीन मारते गाइस अगेन, ओ हो भाई क्या सेक्सी लीन बजा यार, कैसा लगा, मजा आया मजा आया। हेलमेट भाई शर्ट फट जाएगी जिस हिसाब से तूने मेरी शर्ट पकड़ी है ना। ओ भाई ये बहुत गंदा डरा हुआ है इस टाइम पे, पकड़ा हुआ तूने मेरे को, पकड़ शर्ट को क्यों पकड़ रहा है गाइस। इस बंदे ने ना अभी मैं लीन मार था, अभी मैं जब तेज चला रहा थोड़ा, ये बंदा ना मेरी शर्ट को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ कस के। अगर मेरे शर्ट के बटन वगैरह खुल जाते ना भाई, तो ये तो गया था पीछे। तो वही मैं इसको बोल रहा था कि भाई शर्ट को छोड़ मेरे को पकड़, इतनी इसको आदत नहीं है। तो इस वजह से ना क्या सीन होता है, एक सेकेंड वापस लीन मारता हूँ, एक और आया। ओहो क्या बात है भाई, हाँ तो अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज ये ना गंदा वाला डरा हुआ, इतना गंदा डरा हुआ ना, मन में गालियाँ दे रहा होगा ये बंदा मेरे को कि भाई क्यों आया मैं इसके साथ। ऐसे भी बहुत कम आता है मेरे साथ ये, बट ये बंदा मेरे बाइक के पीछे बहुत कम बैठता है यार, इसलिए इसको इतना डर है इस टाइम पे। नहीं यार ये सीन चेक कर रहेगा इस, क्या कर रहा है इधर, नहीं यार यहाँ पे गाइस देख रहे हो स्टंट्स वगैरह प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। ये देखो अपना यूपी भाई, ओ भाई साहब इस यहाँ पे रुकते देखते भाई ये क्या कर रहे हैं बंदे लोंडे। ये मारने वाला एक और विली, देखते भाई कैसी विली बचती है इसकी। ओ हग दिया, भाई इसलिए बोलते इतना जोश में नहीं करना होता भाई, आराम से। रुक 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 बंद कर पहले चाबी, बंद कर फिर ऑन कर। मेरे को लग ही रहा था तेरे को पता है, मेरे को लग रहा था तू गिरेगा। सो गाइस यहाँ पे अपना भाई गिर गया था यार, वो देखो इसके टायर में हवा पता कितनी है। तो गाइस संडे एंड संडे पे ज्यादा राइडर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, सारे अपने भाई लोग लगे हुए हैं यहाँ पे फुल ऑन। ओ तेरी, निकलो 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 भाई, निकल निकल भाई, गलत ही सीन है यार। थैंक यू, ये जो भी था यार पुलिस आ रही कह रहे हैं, पाँव में दर्द हो रहा है यार। देख बिल्ली मारता है ना यार, पता
भाई प्रैक्टिस बाबे बाबे बाद में करना भाई, तू यहाँ पे स्टूपिडिटी कर रहा है। इधर टायर भाई हवा देखो, यहाँ पे टायर में कितना हवा है। तू व्हीली मारा, तेरी बाइक ऐसे वॉबल हो रही है पता है। हवा निकाल के आराम से प्रैक्टिस कर भाई। सो गिरा इसलिए था गाइस क्योंकि इसकी हवा बाइक में आप देख रहे हो ना टायर पे कितनी ज्यादा हवा है भाई, तो स्ट्रेट नहीं जा रही है बाइक, इसलिए ना वॉबल हो रही है। सो देख रहे हो भाई, बाकी यार बाइक को ना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, इसको जाके सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और से निकल रहा था तो फेयरिंग बच गई है, बस यहाँ पे छोटे मोटे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा स्क्रैच हुआ, बाकी ये लीवर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। बाकी सब एकदम ओके है, बाइक एकदम ओके, ठीक है। व्हील अच्छी मार रहा है, बस ये कि इसने थोड़ी सी गलती ये कर दी कि हवा ज़्यादा रखी हुई है। अगली बार व्हील मारेगा हवा कम कर देना भाई। यार ट्रक वाले भैया ने आगे बोला भाई पुलिस आ रही है, सारे निकल गए। एंड मैं भी एक टाइम के लिए भूल गया था कि मेरे पाँव में लगी है, मैं भी लंगड़ा लंगड़ा के भाग रहा था। तो गाइस अपने भाई आ चुके हैं यार, जिनका वेट कर रहे थे हम। सो ये रही उनकी डोमिनार। सो आज हम जा रहे हैं भाई के साथ, एक और भाई आगे वेट कर रहा है नगरोटा वाली साइड। तो चलते हैं यार, मस्ती राइड करेंगे, इसको भी चला के चेक करेंगे भाई। काफ़ी एक साल बाद मेरे को भाई मिला है, एक साल बाद ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे याद है। यार बाइक बहुत प्यारी है डोमिनार यार, मतलब लद्दाख वगैरह कर रहे ना आपको तो डोमिनार सबसे बेस्ट बाइक है यार। पूरी पैको पैक है इसमें, आपको हर एक चीज़ अभी फिलहाल ना इस वाले डोमिनार में ना आपको हर एक चीज़ मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो वो खड़ा हुआ यहाँ से दिख रहा है, वो क्या बात है यार। तो गाइज अभी की राइड पे अपने साथ एक बुलेट है एंड डोमिनार भाई, दोनों आई सी सी वाली बाइकें हैं अपनी है 155 सीसी। और ये देखो इस बंदे को, वाह रिंग रोड। चलो आज हम किसी नई जगह जाने वाले हैं, एक नया रिंग रोड है तो मैं भी जाके वो पहली बार देखूंगा भाई, ठीक है। तो चलते हैं भाई। ओए एक काम कर, तू इसके पीछे बैठ। नई रोड, आपको एक नई रोड दिखाऊंगा, सिद्धरा बहुत हो गया भाई, ठीक है। लेट्स गो, जा रहे हैं, ठीक है। सो अपने साथ आ रहे हैं भाई पीछे। सो ये रही डोमिनार, बुलेट वाला जो बंदा ना गाइस वो इतना आस्ता इतना स्लो चलता ना भाई, मैं क्या बताऊँ भाई। लेट लतीफ है वो नंबर का भाई, कसम से। अभी मैंने कुणाल को इसकी बाइक के पीछे बिठा दिया है। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? तो कुणाल को मैंने भाई के पीछे बिठा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे को लीन वगैरह मारना होता है भाई। ये बंदा बहुत इरिटेट करता है यार। Shit, man! Oh, shit! अभी क्या हुआ क्या? Oh, shit! भाई मेरे दिल की धड़कन। भाई गलत सीन था यार, उसे सीधा जंप मारा यार ऐसे। अबे यार वो क्या बोलूं भाई, वो नजारा बड़ा खतरनाक था यार, उसे सीधा ऐसे जंप मारा यार। भाई बहुत खतरनाक वाला हादसा हो सकता था यार। और गाय सीधा जंप करके आ गई, बोलता ये हाईवे ऐसा ना, यहाँ पे जानवर क्रॉस करते रहते हैं भाई, तो कभी भी कुछ भी सीन हो सकता है यार। कुछ मुझे एक सेकंड के लगा मेरे को, मैं गया भाई साहब, मुझे पता है कैसे मैंने बाइक कंट्रोल किया गाइस। ऐसे सिचुएशन में ना पैनिक नहीं होना होता यार, बट आपका भाई ऑलमोस्ट हो चुका था, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया यार। बट सीरियसली भाई वो जंप ऐसा था ना, पता नहीं कैमरे पे उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, अचानक से गाइस जंप करके ना मेरे सामने आ गई थी यार। तो ये मेरी लीन वाली वीडियो बनाएगा, ठीक है, अच्छी सी। तो वो वाली जो वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी, तो जाके जरूर से फॉलो कर लेना। तब तक आपका भाई लीन मारता है यहाँ पे। अबे ऐसे रखना, सीधे रख, हाँ ना घुमाए। तो गाइस फाइनली ये वही लोकेशन है, हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए भाई। तो ये भी देखो अपने रिंग रोड जैसा ही है, बस अपना रिंग रोड ज़्यादा साफ है। यहाँ की हालत भाई, ओ भाई देख रहे हो कैसे निकल रहे हैं, क्लोज कॉल देते देते भाई। लेफ्ट साइड देखो यार, क्या वाइब है यार। ओ भाई साहब खड्डे नहीं दिख रहे भाई, सीरियसली। बट मैं सोच रहा हूँ जब ये बन के तैयार हो जाएगा ना, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर वो इस वाले हाईवे से होते हुए जाएंगे ना, उनका बहुत टाइम बचेगा यार। पर ये बन जाए ना भाई, बहुत मज़ा आएगा भाई। दोनों तरफ ना गाइस देख रहे हो, दोनों तरफ देखो कितनी ग्रीनरी है भाई। सो फाइनली हम पहुँच चुके गाइस भाई, मज़ा आ रहा भाई, अलग ही वाइब है यार यहाँ की ना भाई। अपने दोनों तरफ देख रहे हो भाई, दोनों तरफ भाई क्या मस्त ब्यूटी है भाई, एकदम सेक्सी नज़ारा है यार। चलो ठीक है गाइस, तो गाइस अभी ड्रैग लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो R15 वर्जन 3 वर्सेस ड्यूक 250 वर्सेस RC390 वर्सेस डोमिनार, तो अंडर पावर है इसलिए थोड़ा सा लीड देंगे मुझे, फिर ये पीछे से आएंगे गोली की तरह जीत जाएंगे, मुझे पता है। चलो ठीक है, मैं आगे निकलता हूँ। तो
यहाँ पे हमने लीड पकड़ ली है, देखते हैं कि ये इनमें से कौन हमसे आगे निकले। और भाई भाई 390 कैसे आगे निकली है यार भाई साहब। और ये डोमिनार भी निकल गई, लो भाई 250 का अभी तक कोई पता पता नहीं है। बाकी ये दोनों बाइकें आगे निकल चुकी है गाइस। ओ भाई साहब, तो इसका मतलब है कि ड्यूक 250 को हमने हरा दिया है, जो कि सीधी सीधी बात है। हार गए 250 हार गई। तो गाइस ये बाइक ना कसम से मॉन्स्टर है भाई, ये बाइक ना मॉन्स्टर है भाई, क्या पावर है भाई इस बाइक। गाइस अभी हम चलाने वाले हैं ये वाला मॉन्स्टर भाई, ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या पावर है। तो भाई को पहले डर लग रहा है, तो इस बाइक का पोस्चर इतना मतलब इतना एग्रेसिव है ना, देख रहे हो। तो हमने कर दिया स्टार्ट। सो पहली बार 2016 मॉडल चलाने वाला हूँ गाइस, तो देखते भाई कितनी पावर है। चलो आओ आओ, बाकी थोड़ा खींच के देखते हैं यार। ओ भाई ओ, ओ, ओ भाई साहब, ओ भाई ये क्या है भाई साहब, गोली की तरह खींचती है यार, अनबिलीवेबल भाई, पावर तो है यार, RC 390 में पावर तो है भाई, क्या गोली की तरह इस बाइक ने खींची है यार। चौथा गियर भी ना इतना पावरफुल लग रहा है ना भाई, गोली की तरह जाती है बाइक यार। ऑब्वियसली मैं 150cc बाइक चलाता हूँ, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लगेगी ऑब्वियसली यार। क्या मिलता भाई, रॉ पावर है यार, रॉ पावर यार कसम से। मैंने ये देखो चौथे गियर पे खींच रहा हूँ गाइस। ओ भाई साहब, ओ भाई फोर्थ गियर पे भी भाई इसका पिकअप इतना प्यारा है। जो पावर इस गाड़ी में दी है ना भाई, KTM भाई मानी जाती है अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए मानी जाती है। जो अभी उन्होंने KTM ने अब नया लुक निकाला ना, इस बाइक के लुक खराब कर दिए एकदम से। ये बाइक जो है ना भाई, एक नंबर भाई। भाई इस बाइक की जो पावर है ना यार, क्या खींचती है यार ये। गाइस ये देख रहे हो यार, ये ब्यूटी जो है ना भाई, मॉन्स्टर है, सीरियसली मॉन्स्टर है यार कसम से। जिनके पास भी ना 2016 मॉडल का एक KTM RC 390 है ना भाई, लकी है वो बंदे, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत लकी है। क्योंकि जो पावर इस बाइक में है ना भाई, वो ना दो लेटेस्ट मॉडल्स निकल रहे हैं भाई उनमें नहीं है यार। बट ये बाइक जो है ना, ये बीस्ट जो है ना भाई, क्या भागती है यार। सो गाइस अब हम चलाने वाले हैं ये वाला बीस्ट डोमिनार 400। ओ भाई ये बहुत भारी है सीरियसली यार, वेट तो है। बाकी यार ये बड़ा गंदा लगता है मेरे को यार, भाई इसका कॉकपिट कितना प्यारा। तो भाई साहब अब हम आ चुके हैं गाइस डोमिनार पे, तो पावर तो इसकी भी काफी अच्छी खासी है, बहुत कंफर्टेबल भाई राइडिंग पोस्चर है इसका यार। जब मैं अपनी बाइक चलाता हूँ ना, तो उसका राइडिंग पोस्चर इतना एग्रेसिव है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को ऐसा फील होता है कभी कभी अपने पास ना एक कैटेगरी की एक बाइक तो होनी चाहिए है। जब हम कभी लॉन्ग ट्रिप करें या लॉन्ग राइड पे जाए, तो मैं वो वाली बाइक निकालूँ यार। उम्मीद है यार हम मेहनत करते रहेंगे, क्या पता एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि मेरे पास अपनी बाइकों का खुद का यार बाइकों का कलेक्शन होगा यार, जिसमें अपने पास एक नेक्स्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक भी होगी, एडवेंचर टूरर भी होगा, सुपर स्पोर्ट्स भी होगा भाई, ठीक है ना। मतलब मेरा है ड्रीम यार कि अपना एक ड्रीम गैराज है यार, मैंने भी सोच के रखा कि अपने बाइकों का ऐसा एक लाइनअप लगा के रखूंगा यार, कि जो बाइक जैसे ओकेजन पे चाहिए होगी ना, मैं बस अपने गैराज में जाके वो बाइक निकालूंगा एंड लेके जाऊंगा भाई। तो अभी थोड़ा सा इसको खींचते हैं भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब पावर तो इसमें भी है यार, ऐसी बात नहीं है यार भाई, क्या भाग रही है यार मजा आ गया यार। एक तो ये रोड इतना प्यारा ऊपर से, और जो बाइकें मेरे पास है ना भाई, मन कर रहा है बस लगाता ही रहूं। बाकी पीछे इतना प्यारा का सनसेट हो रहा है ना यार, एंड वो आगे खड़े हुए हैं लेट लतीफ, ठीक है, मेरे पीछे आ रही है बाइकें। तो गाइस पीछे सनसेट देखो इतना प्यारा आ रहा है यार, उधर ना रील्स वगैरह शूट करते हैं यार। बाकी जो भी रील रहेगी गाइस, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आपको देखने मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की लिंक गाइस यहीं की आ रही होगी, देखना जाके फॉलो जरूर कर लेना भाई को, ठीक है। तू क्या हंस रहा है? सो गाइज जी हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक करे, रील्स वगैरह बनाई गाइज, बहुत मज़ा आया। ऑलमोस्ट शाम हो चुके गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो सनसेट भी गया भाई, सूरज चाचू भी गया गाइज, तो वो लगी अपनी बाइक, ठीक है, यहाँ पे अभी भी रील वगैरह शूट हो रहा है। तो गाइज आज का जो व्लॉग है ना गाइज, सीरियसली आज मुझे बहुत मज़ा आया भाई, आज का दिन बहुत बेस्ट रहा भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत क्रेजी चीज़ें भी हुई भाई। एक तो इतना खतरनाक इंसिडेंट आपके भाई के साथ होने वाला था ना, बट बाय लक
माय गॉड हम बच गए। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइज अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो में कमेंट करना है, आपके भाई को ढेर सारा प्यार देना है, ठीक है ना। तो आपका भाई ऐसे ही आपके लिए खतरनाक खतरनाक औसम औसम कॉन्टेंट लाता रहेगा, ठीक है। अब से तो मैं रेगुलर व्लॉग्स भी करने लग गया हूँ गाइज, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार ढेर सारा मिले, बस ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट अपना बनाए रखो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस आउट। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ।